सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। चलिए चलो सर। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिशासित करती है कि पलामू जिला के मैत्री नगर निगम क्षेत्र में जमीनी जल स्तर नीचे चले जाने के कारण आम नागरिकों को पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। मैत्री नगर के नगर निगम क्षेत्र में सेकेंड फेज का कार्य विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है। कई बार सदन में सेकेंड फेज के कार्य को आरंभ कराने हेतु सरकार से मांग की गई है। हमेशा यही जवाब आता है कि पहले एजेंसी को रद्द कर दिया गया है और नई एजेंसी बहाल अविलंब कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, परंतु आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले के बीच पानी की घोर समस्या उत्पन्न हो गया है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अवगत कराना चाहता हूं कि जनता के इस बीच उत्पन्न पेयजल संकट को देखते हुए एक समय सीमा के अंतर्गत अभिलंब सेकेंड फेज के कार्य को शुरू कराने हेतु एजेंसी को चयन किया जाए और विभाग के माध्यम से कार्य को शुरू करा दिया जाए ताकि आम नागरिकों को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। नारायण जी को मंत्री जी कौन जवाब देंगे इनका? अध्यक्ष महोदय आप ठीक दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैत्री नगर शहरी जलापूर्ति परियोजना निविदा हो गई अध्यक्ष महोदय। ठीक, और 20 तारीख को निविदा खुल भी गई अध्यक्ष महोदय। निविदा पेपर मेरे पास है, माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी। करा दी माननीय सदस्य जी, आपका निविदा हो भी गया है, खुल भी गया। एक मिनट। हाँ अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही पुराना मैटर है और बराबर दो दो बार इसका टेंडर हुआ अध्यक्ष महोदय, और दोनों बार किसी कारण से टेंडर को रद्द कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, और हमें लगता है कि तीसरा बार निविदा खुला हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सरकार चाह जाती तो जल्द से जल्द, क्योंकि डाल्टनगंज एक ऐसा जगह है कि जैसी आपका क्या मार्च अप्रैल का महीना आता है वैसे वहाँ का पानी की सबसे बड़ा किल्लत नगर निगम क्षेत्र में होता है। मैं आग्रह करता हूँ कि जितना जल्दी हो डाल्टनगंज मैत्री नगर नगर निगम का समस्या हल हो ताकि वहाँ के लोगों को पानी जल्द से जल्द व्यवस्था हो जाए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अध्यक्ष महोदय, पूरे नगर निगम क्षेत्र करीब करीब वहाँ पे आबादगंज हमीदगंज ऐसे जो क्षेत्र है जो एकदम ड्राई जोन हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग कभी कभी पलायन भी करना पड़ता है, जो स्थिति बन जाता है वहाँ पे। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको चालू कराया जाए और उसको हम लोग को बीच में पानी की व्यवस्था कराया जाए। महोदय जल्द से जल्द उसको चालू करवा दीजिए, शुरू करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पड़ता है जो स्थिति बन जाता है वहाँ पे। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको चालू कराया जाए और उसको हम लोग को बीच में पानी की व्यवस्था कराया जाए। महोदय जल्द से जल्द उसको चालू करवा दीजिए, शुरू करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अलोचरसिया जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि 165 करोड़ 96 लाख रुपया की योजना है तो अपने सरकार में माननीय सदस्य नहीं कराए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना तोहफा दे दिए आज गैर साख का जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, आज गैर सरकारी संकल्प में किसी लाभ और हुआ तो अरुण चर्चा जी का हुआ। अरे आपको बधाई देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार थी उस समय भी योजना ये काम भी हम शिलान्यास किया उसको, लेकिन सभ्यता के घटिया कार्य के वजह से वो कार्य को रद्द करना पड़ा अध्यक्ष महोदय, और रद्द करने के बाद वो कार्य नहीं चल पाया क्योंकि उसने इतना घटिया कार्य कर रहा था सभ्यता। चलिए अब समाधान हो गया। और वो समय भी 100 करोड़ से ज्यादा की योजना था। आज मैं मंत्री जी को यही कहूंगा कि आप बनवा दीजिए उसको, वहाँ के लोगों की समस्या निदान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत जल्द शुरू हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, वापस ले लीजिए। कब तक भाई शिलान्यास करने का मौका तो दीजिएगा ना। एक बार शिलान्यास किए तो शुरू नहीं हुआ, अब तो शिलान्यास हम लोग करेंगे। कुछ समय उनको साथ लेके ना, माननीय सदस्य भी साथ रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख का टेंडर ओपन हो गया है। अच्छा, अब डिसाइड दूसरे एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। अभी बोले जनवरी में अप्रैल रहे की हो गया है, कब तक? 20 तारीख को 20-12 को हो गया टेंडर, आपको पेपर देते हैं। ठीक है, हमने प्रस्ताव वापस ले। ठीक, धन्यवाद माननीय सदस्य।